पहले जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम आज पढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन दूंगा एंड आउट ऑफ 80 यू विल गेट एटलीस्ट 10 मार्क्स 100%। जो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन कितना है 10 मार्क्स का है, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी करिंग 5 मार्क्स ईच, ठीक है। अब उसमें चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा, कभी भी अगर आपको एग्जाम में सफलता पानी हो, अच्छे नंबर लाने हो, रैंक में आना हो, टॉप पोजिशन जाना हो, आपको खुद की एक रणनीति चाहिए, एक स्ट्रेटजी चाहिए। और याद रखना, रणनीति कभी भी किसी दूसरे बच्चे की मत नकल करना, कॉपी मत करना। अब कोई 4 घंटे पढ़ता है, आप ही 4 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, वो 5 घंटे पढ़ता है, क्लास में अव्वल रहता है, टॉप रहता है, तो क्या आप भी 5 घंटे बैठेंगे टॉप हो जाएंगे? नेवर, कदापि नहीं। क्योंकि उसकी स्टेमिना, उसके घर का प्रवेश, उसकी सोच, उसकी एनर्जी आपसे टोटली डिफरेंट है। दुनिया के कोई भी दो बच्चे या कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है। जब सब अलग अलग हैं, सबकी कैपेसिटी अलग है, सबकी सोच अलग है, सबकी स्टेमिना अलग है, तो रणनीति एक कैसी होगी? हाँ, उसकी रणनीति से आप कुछ सीख ले सकते हैं, कुछ हेल्प ले सकते हैं। टोटल हूबहू अगर आप चाहें कि उसकी स्ट्रेटजी चल करके आप भी उसके जैसे टॉपर बन जाएं, तो ऐसा सोचना आपका गलत होगा। तो रणनीति जो मेरे हिसाब से है वो सिर्फ ये है, वो 4 घंटे पढ़ता है, मैं भी 4 घंटे पढ़ूं, ऐसा नहीं बनाइए। आप अपने पूरे पोर्शन को, पूरे सब्जेक्ट को कुछ डिवाइड कर लीजिए, कितने पार्ट हैं। अब जैसे मान लीजिए इंग्लिश का मैं एग्जाम्पल ले लूं, इंग्लिश में आपका फर्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज स्टडीज का है 10 मार्क्स का। तो आप जरा बैठकर सोचिए, क्या लैंग्वेज स्टडी के सारे क्वेश्चन मुझको आते हैं, या क्या मैं देखिए अब 10 मार्क्स का रहता है और उसमें मार्क्स अपने क्वेश्चन जो है कम से कम रहते हैं 15-16 नंबर के ऑप्शन रहता है। तो आप आश्वस्त हो जाइए, विश्वस्त हो जाइए कि किसी भी कीमत पर मैं लैंग्वेज स्टडी के 10 मार्क्स ले सकता हूं, प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर दूसरा अटैक आप करना है पोएम पर, पोएम 10 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन आपका आता है 5 मार्क्स का। खैर, इस पर मैं आगे वीडियो बना के दूंगा आपको, आप रणनीति कैसे बनाएं, आपकी स्ट्रेटजी कैसी हो, आपका कार्यक्रम कैसा हो, आपका टाइम टेबल कैसा हो, इस पर मैं आपको एक वीडियो दूंगा। आज चलते हैं साइंस तरफ। साइंस में हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन में है, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 वीडियो आपको मिल चुके हैं, आज का ये तीसरा वीडियो लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको ये बताया जाएगा, बताना है ये जो सेंटेंस दिए गए हैं ये सत्य है का सत्य है, ठीक है। और याद रखना, इस आंसर में आपको नंबर डालना है, सेंटेंस नहीं लिखना है, नंबर डालना है, सिर्फ सत्य असत्य लिख के चले आना है, रीजन नहीं देना है जब तक क्वेश्चन न कहा जाए। और हाँ, अगर आप रीजन देते हैं ऑल द बेस्ट, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं देंगे तो भी चलेगा, सिर्फ सत्य असत्य लिखकर आएंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है, ध्यान देना। विद्युत मोटर जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है। यह सेंटेंस फॉल्स है, ये सेंटेंस, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि विद्युत मोटर जो होती है वह विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक में करती है, ध्यान रखना। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में करती है। जब सेंटेंस आपको क्या बोल रहा है कि विद्युत मोटर यांत्रिक का रूपांतरण विद्युत में करता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत में करने का काम तो जनरेटर का, जनरेटर का होता है, इसलिए यह सेंटेंस आपका फॉल्स है, रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र सतह में जल सूर्य के द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका जलस्तर घटता बढ़ता है। आप देखे होंगे समुद्र में जो पानी का स्तर होता, जलस्तर होता है, वो घटता बढ़ता रहता है। अब इसमें दिया गया है ये जो जलस्तर घटने बढ़ने का कारण है वो सूर्य द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ये सेंटेंस भी फॉल्स है। सही क्या है आप जान लीजिए, आपको जानना चाहिए।
समुद्र में जो जल के स्तर में घटने बढ़ने प्रक्रिया होती है वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आरोपित जो बल होता है उसके कारण होता है। और यहां पर आपके सेंटेंस में क्या दिया है, सूर्य के द्वारा, इसलिए आपका ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बड़ा सिंपल है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। हाँ सही है। अब आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में जो सेकंड चैप्टर आपके बुक का है स्कूल ऑफ एलिमेंट्स, उसमें आपके तीन वैज्ञानिकों का नाम मुख्य रूप से आया है, चार वैज्ञानिकों का, तीन वैज्ञानिक पहला डोब्राइनर, दूसरा न्यूलैंड, तीसरे मेंडलीव। इन तीनों ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में रखा था। इनका हाल क्या हुआ आप जानते हैं। लेकिन जब सबसे लास्ट में हेनरी मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी तो उस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा था। ठीक है, सेंटेंस है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हाँ किया गया है, यह सेंटेंस राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर देखें। जब दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ आपस में मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं तो इस क्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। ध्यान देना परिभाषा आपकी क्या है। जब दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ आपस मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोग अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोग अभिक्रिया। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहां क्या दिया है, अपघटन दिया गया, मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है। होना क्या चाहिए था, जब दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं इस क्रिया को संयोग अभिक्रिया कहते हैं। यहां अपघटन लिख करके इसने गलत कर दिया है, किया ना, तो इसने गलत कर दिया तो आप बोल दिए रॉन्ग है ये। क्वेश्चन नंबर फाइव, अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्व भी कहते हैं। हाँ कहते हैं, आपने देखा होगा आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं हाथ की तरफ धातुएं होती हैं, आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे उनका धात्विक गुणधर्म कम होता जाता है और अधात्विक गुणधर्म बढ़ता जाता है। अधातुएं क्यों होती हैं, क्योंकि उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार से ज्यादा होती है, चार पांच छह होती है, पांच छह सात होती है। और जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में पांच छह सात होती है वो क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अपना जितना इलेक्ट्रॉन कम होता है उतना लेते हैं, और जितना लेते हैं उतनी उनकी संयोजकता होती है, वो भी ऋण में। इसका मतलब जो अधात्मी होती हैं वो विद्युत रूप से ऋणावेशित होती है। ये बात सेंटेंस सही है। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। ये क्या बोला है, रिक्त स्थान। अब इस रिक्त स्थान में क्या करते हैं, देखो आपको रिक्त स्थान दो तरह से आ सकता है। पहला रिक्त स्थान जिसमें कि आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, दूसरा हो सकता है उसमें ऑप्शन दिया जाए, अगर ऑप्शन दिया गया तो ऑप्शन करना। पहला क्वेश्चन है, बर्फ को पिघल जाने तक, बर्फ जब तक पूरे पिघल नहीं जाती है तब तक मिश्रण का तापमान डैश रहता है। बर्फ जब तक पूरा पिघल नहीं जाएगी तब तक मिश्रण का तापमान जो है जीरो डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। देखो जब पानी का टेम्परेचर जीरो होता है तभी वो बर्फ बनती है। ठीक है, तो जब तक पिघल नहीं गई है इसका मतलब उसका टेम्परेचर जीरो है, तो यहां पर आपका जीरो ऑप्शन है। प्रश्न नंबर दो, पानी के वाष्प में रूपांतरित होने तक पानी का तापमान रहता है कितना, चार पर, जीरो पर, सौ पर, ऋण चार पर, तो आप बोलेंगे सौ तक। पानी जब तक पूरी तरह वाष्प में नहीं बन जाता, देखो पूरा, देखो सौ तक तो पानी, सौ डिग्री तक पानी क्या करता है, उबलता है, और उबलने के बाद जब वह वाष्प में बनेगा इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। तो जब तक नहीं उबल रहा है, मतलब उबल जाने तक, जब तक नहीं उबला है तब तक उसका टेम्परेचर कितना है, 100 तक ही स्थिर रहेगा। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न हो गए। आइए हम अगले पेज पर आपको लेके चलते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको अगले पेज दिखाते हैं, उसमें क्या है आप क्रम से देख सकते हैं। इन प्रश्नों की तरह से आप कंफर्म करते जाइए, देखते जाइए, आपके लिए बड़े ही उपयोगी रहेंगे। अब देखिए अगला पेज आपके सामने है, उसके कुछ प्रश्न कैसे हैं। प्रश्न नंबर तीन शुरू करता हूं मैं, क्योंकि आप पिछले पेज में दो प्रश्न तक कर चुके थे। प्रश्न नंबर तीसरा है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने तक डैश ऊर्जा का अवशोषण होता है, वह कौन सी ऊर्जा है जिसका अवशोषण ठोस से द्रव में बदलने तक निरंतर होता रहता है,
वह है ऊष्मीय ऊर्जा। याद रखना, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तक बदलने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा का निरंतर अवशोषण एब्जॉर्प्शन होता रहता है। तो यहां पर क्या देंगे, हीट एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, खाली स्थान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक मानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन व्यक्ति है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहते हैं? वह है हमारे देश के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई हमारे देश के अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, इस व्यक्ति ने, इस पर्सनालिटी ने, माने इसने अंतरिक्ष में 192 डेज तक रहने का कीर्तिमान बनाया था। वह कौन वैज्ञानिक है, वह कौन व्यक्तित्व है जिसने कि अंतरिक्ष में 192 दिनों तक रह करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? वह हमारे देश की, हमारे देश के मूल की अमेरिका में रहने वाली वैज्ञानिक है, सुनीता विलियम्स। क्या है? सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 192 डेज रह करके एक नया कीर्तिमान बनाया। बात समझ आई ना? अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी खाली स्थान के आधार पर बनी है, या आधुनिक आवर्त सारणी रिक्त डैश पर आधारित है। किस पर आधारित है? तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आप देखे होंगे इसको। प्रश्न नंबर 8, अपवर्तनांक, ये जो अपवर्तनांक होता है ये प्रकाश के डैश पर, प्रकाश के डैश पर निर्भर करता है। प्रकाश के अपवर्तनांक पर, प्रकाश के द्रव्यमान पर, प्रकाश की मात्रा पर, प्रकाश के वेग पर, किस पर निर्भर करता है? आप यहां डालेंगे क्या, प्रकाश के वेग पर। जो किसी पिंड का अपवर्तनांक, किसी वस्तु का अपवर्तनांक होता है वह प्रकाश के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, डैश तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। ये पानी के संदर्भ व्यवहार में आप देखेंगे, जब 0 से लेकर के टेम्परेचर बढ़ेगा, किसका, पानी का, 3 तक, तब अलग नियम है, लेकिन जब 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तब उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर 10, मानव नेत्र खाली स्थान की तरह काम करता है। मानव नेत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? कैमरे के, जो चीजें कैमरे में है, या यू कह लो मानव नेत्र के सिद्धांत के आधार पर ही कैमरे की रचना हुई है। प्रश्न नंबर 11, खाली स्थान एक ऐसी धातु है जो कि विद्युत की सुचालक है। देखिए, मोस्टली जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, और अधातुएं कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक अधातु है, ग्रेफाइट एक अधातु है, नॉन मेटल है, फिर भी वह विद्युत धारा का प्रवाह करती है, विद्युत सुचालक होती है। तो आप यहां क्या डालेंगे, ग्रेफाइट। अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले घटक को क्या कहते हैं? आप पढ़े होंगे, ऐसे सारे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में सीधे तौर पे भाग नहीं लेते हैं किंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर को, वेग को बढ़ा देते हैं, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन को देखने के लिए आपको अगले पेज आना पड़ेगा। आइए हमारे साथ में अगले पेज देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको फिर से दिए जा रहे हैं अगले पेज पर। अब ये देखिए, हम आ गए हैं आपके तीसरे पेज पर। तीसरे पेज पर ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन आप एक बार देखकर कंफर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, नंबर में 13 है, 13वां है। 13वां क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह को डैश कहते हैं। अब ध्यान देना, आधुनिक आवर्त सारणी के जो 18 पूरे 18 समूह है उनको 4 नाम में विभक्त करके 4 नाम आपकी किताब में दिया गया है। पहले समूह का नाम है क्षारीय धातुएं, दूसरे समूह का नाम है मृदा क्षारीय धातुएं, 17वें का नाम हैलोजन है, और 18वें का नाम शून्य समूह, आदर्श गैस, निष्क्रिय गैस, जो भी नाम आपको लेना हो यहां पर आप लेकर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आदर्श गैस समूह कहते हैं, या शून्य समूह कहते हैं, या निष्क्रिय गैस कहते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में दिया जाएगा, उसके आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, माने इस क्वेश्चन के बहाने कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह को क्या कहते हैं, शून्य समूह। तो 3 समूहों का नाम आपको और जानकारी हो जानी चाहिए, पहले का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या, 17वें का क्या है, और फिर 18वें का क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, हो गया। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
वक्रता केंद्र और मुख्य नाभ के बीच की दूरी को कहते हैं। वक्रता केंद्र और मुख्य नाभ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? अब ध्यान देना, यद्यपि दिया नहीं गया है, नाभ्यांतर। क्यों? जो वक्रता त्रिज्या होती है वह नाभ्यांतर की आधी होती है, जो वक्रता केंद्र होता है वह वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु पर होता है, तो वह दूरी नाभ्यांतर के बराबर होगी। वैसे नाभ्यांतर क्या होता है? नाभ्यांतर तो ध्रुव से मुख्य नाभ के बीच दूरी होती है, लेकिन जो दूरी ध्रुव और मुख्य नाभ या प्रकाशिक केंद्र और मुख्य नाभ के बीच की है वही दूरी वक्रता केंद्र और नाभि के बीच होती है, तो आप क्या डालेंगे? नाभ्यांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति बराबर होता है 1/f मीटर में। 1/f माने क्या है? नाभ्यांतर है, फोकल लेंथ। लेंस की शक्ति P बराबर होती है 1/नाभ्यांतर मीटर में। ध्यान देना, आपके जितने क्वेश्चन होते हैं तो नाभ्यांतर सेंटीमीटर में दिया गया रहता है, लेकिन जब आप यहां लिखेंगे तो मीटर करके लिखेंगे। और क्वेश्चन जब हल करने को आएंगे इसमें एक नंबर क्वेश्चन आता है, मान लो एक लेंस है उसका नाभ्यांतर 20 सेंटीमीटर है, कितना? 20 सेंटीमीटर। उसका आपको निकालना है, शक्ति निकालनी है, पावर निकालना है, तो 20 सेंटीमीटर को पहले आप मीटर बनाइए तब यहां पर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में, खाली स्थान विधि में एक विधि है, उस विधि में क्या होता है? अधिक क्रियाशील धातुओं पर कम क्रियाशील धातुओं की परत चढ़ाई जाती है। माने वह कौन विधि है जिसमें कि कम क्रियाशील धातुओं की परतें अधिक क्रियाशील पर चढ़ाई जाती है? ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो नमी, पानी, हवा के संपर्क में आने उससे क्या करती हैं? आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर लेती हैं। उससे उन अभिक्रियाशील धातुओं का क्षरण होता है, जंग लग जाता है। उसको रोकने के लिए उस पर एक परत चढ़ाई जाती है जो कम क्रियाशील हो, और परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं विद्युत विलेपन। विद्युत विलेपन, तो विद्युत विलेपन विधि में अधिक क्रियाशील धातुओं पर कम क्रियाशील धातुओं की परतें चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, लेंस के शक्ति की इकाई। अब यहां आपने लेंस के शक्ति का सूत्र देखा था, ठीक है, अभी अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? लेंस की शक्ति इकाई, तो लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर, डी से दिखाते हैं, डी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत धारा का मापन इस यंत्र द्वारा किया जाता है। माने वह कौन सा उपकरण है, कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत धारा नापी जाती है? उस यंत्र का नाम है अमीटर। तो विद्युत धारा का जो मापन होता है वह अमीटर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? अब आप जानते हैं कि 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। जब उसका आप पक्षांतर करेंगे तो होगा 10^-3। 1 मिली एम्पियर बराबर 10^-3 एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, फ्यूज में इस गलनांक वाले मिश्र का उपयोग होता है। अब फ्यूज आप जानते हैं, फ्यूज क्यों लगाते हैं घरों में? ताकि विद्युत धारा का मान बढ़ने पर वो विखंडित होकर के परिपथ को भंग कर दे। अगर ऐसा नहीं होता है, कभी कभार जब आपके घरों के परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है उससे हमारे जो घरेलू उपकरण है, फैन है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, उसको नुकसान होने की डर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने घरों में फ्यूज लगाते हैं। तो फ्यूज में जो वायर होता है वह बड़ा ही कम गलनांक का होता है। विद्युत धारा बढ़ेगी तो क्या करेगा, वो विखंडित हो जाएगा। उस खंडित होने से क्या होगा, विद्युत परिपथ हमारा जो है भंग हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाह रुक जाता है, तो हमारे घर के घरेलू उपकरण जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं, फ्यूज में कम गलनांक वाले मिश्रण का उपयोग करते हैं, सीसा और टिन का बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? अब ध्यान देना, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा, और पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मान क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। समुद्र सतह पर जी का मान कितना होता है, जो जनरली हम लोग अपने क्वेश्चन में अप्लाई करके लगाते हैं, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का मान इसी का उपयोग करते हैं। वैसे इसका मान ध्रुवों पर
सबसे ज्यादा होता है 9.83 और विस्फोट बिंदु पर सबसे कम होता है 9.77, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण खोज आपने जानती है तो बच्चे 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 जानते हैं। एक बार आइजक न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक एक पेड़ के नीचे बैठा था, पेड़ से एक फल गिरता है, कुछ देर तो अचंभित रहता है, ये नीचे ही क्यों गिरा, तो दो तीन बार उसे ऊपर उछाल के फिर देखा, फिर नीचे आता था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये फल ऊपर से गिरने के बाद में दाएं बाएं आगे पीछे या ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे ही क्यों आता। चिल्ला पड़ा, यूरेका, मिल गया। क्या मिल गया? ये रीजन कि सारी वस्तुएं ऊपर नीचे क्यों आती हैं। क्या रीजन पाया उसने? कहा कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हो उनके बीच एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है, वो एक दूसरे को खींचते हैं। अब रह गई बात कि पृथ्वी ने सेब को ही क्यों खींचा, सेब पृथ्वी को ऊपर उड़ा सकती थी, लेकिन रीजन ऐसा है कि पृथ्वी की अपेक्षा सेब नगण्य त्रिज्या वाला है, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी बड़ी है। अब अगर दो पिंड दोनों खींचते हैं तो कौन खींचेगा? तो छोटा होगा, इसलिए सेब को पृथ्वी खींच लेती है, सेब जो है पृथ्वी को नहीं खींच पाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। बच्चों आपका आज का ये वीडियो रहा, इसमें कुल मिलाकर के आपको 23 क्वेश्चन दो एक्स्ट्रा आए हैं, 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, अब तक आपको कुल मिलाकर के 65 क्वेश्चन मिल चुके हैं। अब एक वीडियो आपको और मिलेगा जिसमें ऐसे ही 20 क्वेश्चन और दूंगा, बस इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप आश्वस्त हो जाना कि पूरे के पूरे मार्क आपको इसके मिलेंगे ही मिलेंगे बोर्ड के एग्जामिनेशन में, ठीक है। आप देखते रहिए और देख करके कमेंट करना ना भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और किसी क्वेश्चन की डिमांड है, किसी पार्ट डिमांड है, उसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कीजिए। ओके, थैंक यू।